आज हम रनिंग देखेंगे, है ना? क्या बात, जो बंदी आंखें पता नहीं क्या हो गई मेरी, ऐसी ऐसी हो रही है ऐसी भी हो रही है, कहां जा रही है यार? तू सुन, वो पहन ले। नहीं नहीं नहीं, सब सही है। हाँ हाँ, कोई बात, वो बड़ा सही लग रहा था ऊपर, क्यों जो भी है वो पहन ले। नहीं नहीं, सही है, वो कह रहा सही है। क्या प्रॉब्लम है उसकी चॉइस है, नहीं पहनना ना पहले। इसके चेहरे पे तो बड़ी रंगत खिल गई। ओए, मिल गया मिल गया, आखिर आखिर मिल गया। वो चीज ही ऐसी है, वो चीज़ और हाथों से पकड़ के, हाथों से हैवी वेट, हाथों को ऐसे कर, थोड़ी मोटिवेट, हाँ मोटिवेट भी कर, हाथों से ऊपर हैवी वेट भी लगवाई। हाँ यार, माइक मत उठा। बॉडी नहीं दिखानी तूने, अबे खुद की नहीं दिखानी, उधर चलो बढ़िया से। अच्छा, हाथ को थोड़ा हेल्प कर ना, हाथ को ऊपर लेके जाने के लिए, सही हाथ जाए ऊपर। हाँ करेक्ट, ये ऊपर, बस बढ़िया फॉर्म है, बढ़िया फॉर्म है, फॉर्म इज गुड, फॉर्म इज गुड। क्या बात है, नाइस, क्या बात, ये नाइस। तेरे अंदर सिद्धार्थ ढेला, ठीक है ठीक है, तेरे अंदर सिद्धार्थ ढेला और अब कर। नहीं नहीं नहीं, उसको पहले ना भाई। अरे अरे यार, तू चुना कर रहा है क्या यार? मेरा गला खराब है, आप पारस डाल रहे बीच में यार, जब चीज ही नहीं यार। आप मुझे बोल रहे हैं यार फजूल में, मेरी कोई सुन नहीं रहा, फायदा क्या है यार? तुम किसको करोगे? सुनो, कोई भी लड़की लूंगा यार मैं, मेरा गला खराब है। खराब हो गया तो लड़की को लेकर, नहीं मेरे को करना, मेरे को नहीं लेना पारस, मेरी भी मर्जी है कि नहीं है, जस्ट मेक हिम अंडरस्टैंडिंग। हां मेरे भाई, पारस नहीं उठेगा भाई, मेरी बात सुन, हमको नहीं नहीं, यू गॉट टू अंडरस्टैंड मैन, यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ, यू जस्ट बीन लिसनिंग टू गर्ल्स ब्रो, यू गॉट जो बात समझा कर पहले, और तू पागल कैसे बिहेव मत किया, पहले सुना कर, सुनने की आदत डाला, सुन रहा हूँ, ठीक है। हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने पहले से डिसाइड कर लिया था कि ये टास्क में, जब हम अंदर से बात कर रहे थे कि बात करने वाले टास्क में कोई किसी को नहीं उठा पाएगा, बट वो आगे लेगा। अरे यार, तो क्या फर्क पड़ा यार, मेरा घर में तो तू धीरे बोलना है यार, कम बोलना, वो बोलेगा तो पागल हो गया क्या? हमको पॉइंट जीतना है, पॉइंट जीतना है, बट वो बोलता पारस को नहीं लेना है, बात खत्म होगी यार, मुझे किसी लड़की को लेना है। क्या हुआ, तेरा दिल टूट गया क्या? पारस ने तेरा दिल तोड़ दिया, ऐसे फाड़ के छोड़ दिया, क्या हो गया तुझे? क्या लगा कि तू मायरा और तू वो सना से कम्पीट करेगी? कुछ नहीं हो सकता तेरा बे, तुझे यहाँ से निकलना ही है। हाँ। तूने बोला, बोला कि मैं बिग बॉस के लिए प्रिपेयर हूँ और हाँ। मैं किसी भी लेवल पे गिर सकती हूँ। तेरा लेवल है ना, तेरा लेवल तो पूरी दुनिया ने देख लिया, लेकिन जब तूने मेरे को मेरे कैरेक्टर के बारे में बोला तब नहीं समझा। अभी भी तेरी औकात और मेरी औकात दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी भी तेरे कैरेक्टर में नहीं जा रही। तू कैसे गिर रही है, दिखाई दे रही है, तू कब करना मुझे नहीं आता, तू इज्जत के साथ खेल सकती है। थॉट प्रोसेस ना यूनिवर्सल है, मुझे वो थॉट प्रोसेस ही प्रॉब्लम है, और ये प्रोसेस आया भी सिद्धार्थ से है। सिद्धार्थ ही बहुत कॉन्फिडेंटली गया था कि लड़के को निकाल दो, लड़कियों को कॉन्ट्रोल करें, मुझे इस थॉट प्रोसेस से ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना? सिद्धार्थ के हिसाब से वो सबसे स्ट्रांगेस्ट है, वो अभी भी बोल के गया कि तुम्हें क्या लग रहा है, हम तुम्हारे हिसाब से करेंगे। सिद्धार्थ के दिमाग में ये है कि वो सबसे स्ट्रांगेस्ट है। सुनो मेरी बात, देखो, अगर गोबर वाले टास्क में दोनों लड़कियां नहीं उठी ना, तो सबसे बड़ी बेइज्जती होने वाली आसिम की। अपने भाई के लिए है, लेकिन हम तेरे पर्सनल ग्रज के लिए नहीं कर रहे, लेकिन तू सही बोल रहा है कि हमको एक लड़के को जरूर लगेगा कि दोनों लड़कियां उठ नॉमिनेट वन पर्सन। मेरी बात सुनो, एक नाम और रीजन। मैं अपना नाम लूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि अब टास्क के लिए मैंने कुछ स्टोरीज कुकअप की, और जो कि मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था। आई नो कि आप सबको ये लग रहा होगा कि वो टास्क इजी था, लेकिन बिग बॉस ने अगर वो टास्क दिया है तो उसको आप इजी मत समझें, क्योंकि जब आप
से मेरी बात हुई, आपने भी यही बोला कि मैं वो ना कर पाती, है ना, मतलब मैं खुद उसमें एक डार्क इमेज में आई और बुरी भी दिखाई दी होंगी, लेकिन वो सब कुछ मैंने टीम के लिए ही किया था। ठीक, तेरे हिसाब से कौन शहनाज़? जो खाया है ना वो उसने खाया है, ठीक है खाया है, मगर वो नहीं। और वो तो कार्य में जिसने सबसे ज्यादा वोट दिया उसके लिए, भले कार्य में अच्छा किया, सबसे टफ जॉब तो उस लड़की की थी। किसकी? शहनाज़ की, और वो दूसरी लड़की जो थी, नहीं नहीं क्या जी, खाने वाला सबसे ज्यादा शहनाज़ और मायरा। मायरा, तो मैं आपका नाम लेना चाहूंगी क्योंकि आपने अच्छा भी किया, बिकॉज आपको प्रॉब्लम भी थी उस वजह से फिर भी आपने किया, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सेफ भी करूँ, तो इसलिए मैंने किया। डबलिना, हाँ, तो उसका रीजन ये है कि मतलब इसने बहुत अच्छी तरह खाया जो भी खाया, तो वो मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं मैंने बोलना। ठीक है, देवो। ओवरऑल इफ आई सी एज ए टास्क, देन ऑफकोर्स मैं खुद को खुद नॉमिनेट करना चाहूँगी। देर आर टू रीजन्स। वन, ऑफकोर्स आई पर्सनली फील कि जो सेकेंड वाला टास्क भी था, देर ऑल्सो वी ऑल परफॉर्म वेरी वेल, बट आई फील हमारे जो अपोजिशन उसमें थे, आसिम, जो उसको उस टास्क से भी निकालना था, इवन दैट ऑल्सो आई परफॉर्म वेल। हमारा पहला चीज वेट लिया, फट मारा, वो फट भागा, यही खत्म हो जाती है बात। करेक्ट, मेरे लिए तो ठीक है, करेक्ट, बहुत अच्छा किया। उसके बाद आज जो टास्क हुआ उन्होंने उस पे भी अपना 100% दिया, और उसी वजह से हम जीते, क्योंकि एक बंदे को इरिटेट करना बहुत जरूरी था, और वो करेक्ट, उन्होंने स्टार्ट कंटेंडर को किया, करेक्ट, बहुत अच्छा किया। मेरा भी यही है। देवलीना, यू गेट द वॉच स्टोर्ड। मैं सहमत नहीं, इसी सहमत नहीं। अच्छा, क्यों नहीं सहमत है यार? देखो, मैं बुरी बनी हूँ। आप बुरे बने, बुरे हम भी बने। मैंने भी उनको गंदा खिलाया, मिर्ची खिलाई, वॉमिट तक लाई, मैं भी रुकी नहीं, मैं उनको बोलती रही, लेकिन मैंने भी खिलाया। मुझे बाहर आते ही अब्बू जी ने सुनाया, 10 लोगों ने सुनाया कि ये देख लो ये लड़की, मुझे सुबह सुबह सुनने को आया कि तुम जेरन को भी ऐसे खिलाती हो। मैं भी बहुत बुरी बनी। मुझे नहीं लगा कि यार फिर दिस वाज फेयर टू मी आल्सो, इंडिविजुअली थोड़ी ना खेल, तो ठीक था यार, लेकिन सपोर्ट के लेवल पे आप उस बात को एप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो। आप आपकी टीम को भी वो पॉइंट मिला था 100%। देवलीना को, शेफाली को अगर ये पता भी होता ना, तभी भी वो यही करती, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो किसी के लिए भी करती। वो किसी, शेफाली अगर सिर्फ तुम हो ही, तुम हो ही, तुम हो, और तुम मेरे साथ कंटेंट मत दो, तुम वहां जाओ, वहां बात क्यों जाओ, इवन को सगा रहा मैं इस घर में आई हूं। उसका नॉमिनेशन था शेफाली, उसका नॉमिनेशन खत्म हुआ है, उसका नॉमिनेशन गलत हुआ है, मेरे साथ से गलती हुई है। कल गंदी बात तुम्हारे दिमाग में, गंदगी तुम्हारे दिमाग में, इस तरह से करोगे तो मेरी बनती है भाई, मतलब चेहरा में छलक पूरी है गंदगी। फेमस लड़की उसके साथ कुछ करे, वो चाहती है, मत कर, सब लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। सुनो सब लोग, सुन लो, एक्सक्यूज मी, इधर कंसोलेशन नहीं है, तुम बच जाओ, तुम सबके दिल में ही हो। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड डेबो, सुनना, तुमको रोने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि किसी को भी आएगा, किसी को भी आएगा, नहीं कहीं ना देबो, लेना 5 मिनट दे दो प्लीज। चिल मार, एक मिनट, चिल मार यार, चिल मार, इतना नहीं हो सकता मुझसे। सुना इधर, अबे एटीट्यूड देखा ये, को इधर मेरे साथ, सिंपल मेरे साथ आ जा, सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, अभी नॉर्मल, सब नॉर्मल, उसको बिल्कुल कॉर्नर नहीं कर, जीत मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन नहीं रही है मेरी, नहीं तेरी मुद्दा मुझे सुनना ही नहीं, क्योंकि वो सब लॉजिकल है, मुझे पता है, उसको कॉर्नर नहीं करना है गाइस, शेफाली तुमने पारस से कहा ना कि एक तो मतलब मुझे बुरा दिखाया गया, वो बुरा दिखाया गया नहीं था, स्पीच डायलॉग्स जो भी तुमने इस्तेमाल किया था वो तुम्हारा चॉइस थे, और अब जो हुआ आपको लगता नहीं है कि किसी ने आपको बुरा नहीं दिखाया, आप खुद बुरी बनी, आपको नहीं लगता है कि अभी जो ऑडियंस जो बाहर देख रहे हैं उनके नजर में आप छोटा हो जाएंगे? ठीक है कोई ना, मैं बस ये बोल रही हूँ कि मैं बार बार ना अपनी चाबी किसी के और के हाथ में नहीं दे सकती।